हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल अपम, जिसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दही। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। हाफ कटोरी वाटर, इसमें मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, ग्रीन चिली, स्वीट कॉर्न्स, नमक ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी, इन सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हाफ चम्मच के करीब डाला मैंने बेकिंग पाउडर। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे बैटर को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अपम मेकर मैंने रख दिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम ढककर पकाएंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमारे अपम सिक चुके हैं पूरी तरह से। अब हम ऊपर की तरफ ऑयल लगाकर इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह सेक लेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हमारे अपम अच्छी तरह से सिक चुके हैं।
इसे हम निकाल कर बाकी के अप्पम भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। और दूसरी साइड हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे अप्पम बनाकर रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसका तड़का रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 चम्मच राई, 2 डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें अनियन, इसमें डाल दी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक सैशे डाल दी इसमें मैगी मसाला, अब इसमें डाल दूंगी सारे के सारे अप्पम। ये देखिए हमारे अप्पम हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारे वेजिटेबल अप्पम बनकर रेडी है, बहुत ही हेल्दी होते हैं। ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।